हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं मानव शरीर से जुड़े 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक लगाइएगा। जैसे आप सभी को पता है, डेली मैं एक नए टॉपिक पर टेस्ट लेकर आ रहा हूँ जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और डेली टेस्ट का नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास हर रोज़ नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और प्लीज़ यार लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। तो चलिए, हर एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 सेकंड मिलेंगी। उस 5 से 6 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, लाल ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं। तो बिल्कुल सही यहां पे अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, कुफर कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं। टू का राइट आंसर बिल्कुल सही यहां पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर में उपस्थित मिश्रित ग्रंथि है। थ्री का राइट आंसर यहां पे बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, अमाशय में उपस्थित प्रधान कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं। फोर का राइट आंसर अगर आप यहां पे ऑप्शन डी लगा दें तो बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रुधिर में O2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है। तो पांचवे का यहां पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है भाई। रुधिर ब्लड को बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वाले बोलते हैं कि कुछ ऐसी जो टर्म्स होती हैं उनका हमें बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रुधिर दाब को मापने का संयंत्र कहलाता है। बिल्कुल सही, यहां पे 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के प्लाज्मा में उपस्थित हीपरेन कहाँ संश्लेषित होता है, इसका कार्य है। तो हीपरेन कहाँ संश्लेषित होता है आपका, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी को खालिस्तान कहते हैं। तो बिल्कुल सही, यहां पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप मानव पेशियों में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, माइग्लोबिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, 10 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, ECG उपकरण किसको दर्ज करता है। 11वें का राइट आंसर बताइएगा भाई, तो बिल्कुल सही है, 12वें का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। तो 12वें का राइट आंसर बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है।
तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी आपका राइट हो जाएगा अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों आपका जो भी स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एंड में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, तो इसलिए टेस्ट को एंड तक दिया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, मिट्रेल कप कहाँ उपस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 14, फोर्टीन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, अपोहन का प्रयोग किस अंग की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? ये करने के लिए होगा भाई, ठीक है। तो बिल्कुल से यहाँ पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मूत्र के पीले रंग का कारण होता है? तो 16 का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, रिका का कार्य क्या है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, रिका पथरी में मुख्य रूप से कौन सा यौगिक होता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो बिल्कुल सही है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, हाइपोथैलेमस इन इस क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? ट्वेंटी का राइट आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 22, यहाँ पे 21 मिस हो गया भाई, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन निहित होता है? तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। 23, वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अधिक श्रावण से खालिस्तान हो जाता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 23 का भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24, निम्न में से कौन सा अंग मानव नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो बिल्कुल सही है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 25, अंड का निषेचन किस भाग में होता है? तो बिल्कुल सही, 25 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 26, आयरिस खालिस्तान के आकार को नियंत्रित करती है? तो 26 का यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, करण में उपस्थित कोष्ठीय उपकरण का क्या कार्य होता है?
तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। 28, कब्जा संधियां की उपस्थिति का एक उदाहरण दीजिए। तो 28 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, रेटिना में पाए जाने वाली कोशिकाओं के नाम बताएं। तो बिल्कुल सही है, 29 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी है? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। 31, मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनियम से संबंधित मुख्य रचनाएं कौन सी है? तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में सहायक श्वसन अंग है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, मानव हृदय में कक्षों वेशम की संख्या कितनी होती है? तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सभी को आपको पता होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 34, लाल रुधिरणाओं की जीवन काल कितना होता है? तो बिल्कुल सही, 34 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, आंत म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंट्रोकाइनेज का क्या कार्य है? तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, 36 है आपका, उपासित के तरल में कौन सा लवण पाया जाता है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न से कौन कपाल की हड्डी नहीं है? तो बिल्कुल सही, 37 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, अंश मेखला का एक कार्य है। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सही जा रहा है अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। नेक्स्ट, 39, हृदय पेशियों में उपस्थित होता है। थर्टी नाइन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, अनांतरीय रस का श्रावण कहाँ से होता है? तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 41। वयस्क मानव में सांस नली की लंबाई कितनी होती है? तो 41 का यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42। कौन शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। नर में शुक्राणु जनन किस नलियों में होता है, सॉरी नलिकाओं में होता है, किस किन नलिकाओं में होता है? तो शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है आपका? 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप ए लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ कि आपको टेस्ट पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप सभी टेस्ट की PDF भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से PDF आप डेली टेस्ट की डाउनलोड कर सकते हैं।